बुद्धिज़्म फाउंडर्स कौन है? बुद्धिज़्म के गौतम बुद्ध जी, जिनका जन्म कपिल लुम्बिनी में हुआ और कपिल वस्तु में हुआ 563 BCE में। सक्या वंश के अंदर इनका जन्म हुआ जो बुद्ध जी था। कहते उनका नेम इस धर्म के बाद पड़ा। पहले इनका नेम क्या था? सिद्धार्थ था। कहते ही इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन अ कंटेम्प्रेरी लाइफ ऑफ लॉर्ड महावीरा। कहते इनका भी जो क्या है ये महावीर जी के समय में ही हुए हैं। ही लेड अ प्रिंसली लाइफ। कहते इन्होंने क्या है पहले राज्य वाली जिंदगी बताई थी। इनकी एक प्रिंसेस के साथ ही शादी हुई थी जिसका नेम था यशोद्रा। उनका एक बेटा था राहुल। अकॉर्डिंग टू लिजेन कहते उन्होंने कहीं एक बार वो घूमने के लिए कहीं जा रहे थे जिसमें उन्होंने कहते चार दृश्य देखे और चार दृश्य ने उनकी जिंदगी को बदल डाला। उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक बीमार आदमी को और एक मरे हुए आदमी को देखा, जिसके थ्रू उन्होंने को महसूस हुआ कि जो संसार है वो दुखों का घर है। और अंत में वो फोर्थ साइड क्या देखी उन्होंने? उन्होंने एक एसेटिक मैन देखा, एक साधु आदमी देखा जो क्या है देयर इज़ ऑल मतलब कि भी क्या है वो एक पेड़ के नीचे बैठा है, बिल्कुल शांति से बैठा है। उसको किसी के ना कोई जन्म से और ना ही मृत्यु से उसका कोई संबंध है। तो उसने महात्मा बुद्ध जी ने देखा कि वो क्या है दुखों से परे हैं। उन साइड्स ने उनको अफेक्ट किया और क्या हुआ ये काफ़ी अफेक्ट किया महात्मा बुद्ध जी को। अब गौतम बुद्ध जी घर पर लौटे 29 ईयर्स की एज में। तो फिर उन्होंने क्या कि उनको पता चल गया कि हम दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने जो लंबे बाल थे वो कटवाए, अपने शानदार कपड़े उतारे और साधु वाले कपड़े डाले और जंगलों की तरफ चले गए, जिसको हम कहते हैं महाभिनिक्रमा और ग्रेट रेनियनसेशन कहते हैं। उनकी लाइफ में बड़ा चेंज था। 6 साल तक वो इधर उधर घूमते रहे, उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। कभी क्या होता था उनको खाने के बिना भी रहना पड़ता था। बिकेम वेरी लीन जिससे वो काफ़ी शांत हो चुके थे। फाइनली एक दिन वो क्या कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठे थे गया के अंदर एंड रिजॉल्व नॉट टू गेट अप अनटिल उन्होंने कहा कि ये तब तक वहाँ से नहीं उठे जब तक उनको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल गया। उन्होंने काफ़ी दिन बताने के बाद वो काफ़ी गहरी इसमें चले गए। ध्यान लगाने के बाद उनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई एंड जिसके कारण उनको बाद में किसके नाम से जाना गया लॉर्ड बुद्धा द इनलाइटेड एंड द अवेकेंड वन के नाम से कहा गया। द पीपल ट्री जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पीपल ट्री था। अब हम उसको क्या कहते हैं बोधि ट्री या बोधि वृक्षा कहा जाता है। द प्लेस वेयर ही अटेंड अवेकनिंग कहते जहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की उस जगह ठीक है जी वॉज नोन एज बोधगया। आज उस जगह को बोधगया कहा जाता है। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा जो महात्मा बुद्ध जी की टीचिंग्स से शिक्षाएं वो कैसे थे ठीक है जी। उन्होंने कहा पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वर अट्रैक्टेड बाय हिज टीचिंग्स कहते उन्होंने दुनिया में बहुत लोगों को अपनी शिक्षाओं के द्वारा प्रभावित किया। उन्होंने 4 सच्चाइयों के बारे में बताया। कहते जो जिंदगी है फुल दुखों का घर है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स। द काउज ऑफ सोरो इज डिज़ायर हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं हैं। गेटिंग रिड ऑफ डिज़ायर एंड वॉन्ट्स टू लीड टू पीस एंड एंड सफरिंग्स क्या करो अपनी इच्छाओं से को खत्म करोगे तो आप अपने मन को शांत पाओगे। वी कैन गेट रिड ऑफ सफरिंग बाय नोबल 8-fold paths एंड राइट लिविंग उन्होंने कहा कि हम इन 8 तरीकों से अपने जीवन पे क्या कर सकते हैं मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध जी ने ऐलान किया ठीक है जी मॉडरेशन बाय फॉलोइंग ऑल द नोबल 8-fold पथ उन्होंने अष्ट मार्ग के ऊपर चलने को कहा कि भी अगर आप सच्ची शांति और सच्ची खुशी चाहते हो तो इन 8 रस्तों को फॉलो करो। इनके इनको 8-fold पथ भी कहा गया, मिल्ड पथ और अष्टिका मार्ग भी कहा गया। राइट व्यू सच्चा विचार, राइट एस्पिरेशन सच्ची प्रेरित करना, सच बोलना, सच कार्य करना, सच में रहना, सच्ची कोशिश करना, सच्चा ध्यान लगाना और सच्ची ही बातें करना उन्होंने इस चीज़ों के बारे में बताया जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। उन्होंने कहा कोई भी इंसान है उसको बड़ी ही ऐशप्रस्ती वाले जीवन में नहीं रहना चाहिए, उसको ये सब कुछ त्याग देना चाहिए जिसको उसको सारे दुखों से भी वो क्या हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। एक अच्छी संतुलित जिंदगी बताने के लिए एक पर्सन को क्या करना चाहिए मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए। उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कब की 483 BCE एट द एज ऑफ 80 साल की एज में कुशीनगर में उनको क्या हुई निर्वाण की यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई जिसमें उन्होंने भगवान को पा लिया। द रिलीजन विच बुद्धिस्ट
बुद्धा प्रीचित वॉज कॉल्ड बुद्धिज्म, जिस धर्म के बारे में महात्मा बुद्ध जी ने हमें सिखाया उसको बुद्धिज्म कहा गया, और जो उनके फॉलोअर्स थे जो उनको मानते थे उनको बुद्धिस्ट कहा गया। ये क्या करते थे, सिंपल भाषा में बोलते थे, प्राकृत ये कॉमन लोगों की भाषा थी। उन्होंने अहिंसा के ऊपर जोर दिया और लोगों के साथ प्यार से बात की करने को कहा, और स्पोक अगेंस्ट द कास्टिज्म जात प्रथा का विरोध किया। द कोड ऑफ कंडक्ट मिडिल पार्ट बुद्धा प्रीचित वाज पॉसिबल फॉर एवरी मैन टू फॉलो विदाउट बीइंग वर्ल्डली। कहते जो महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाएं हैं बुद्धा प्रीचित वाज पॉसिबल, कहते उन्होंने हर एक आदमी को कहा कि भी हमें संसारिक वस्तुओं का लालच नहीं करना चाहिए, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। स्प्लिट एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीता तो बुद्ध धर्म के दो हो गए मत, एक तो हुआ महायान, दूसरा हुआ हीनयान। जो महायान वाले थे उन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति बनाकर पूजा करनी शुरू कर दी और काफ़ी रस में भी करने लगे। हीनयान इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाओं पर ही जोर दिया, जिसको हम मिडिल पाथ या फोर नोबल ट्रुथ्स भी कहते हैं। संगा क्या था, संघ, कहते जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बुद्धिज्म वॉज द संघा, क्या थी, संघा। बुद्धिस्ट थे वो क्या करते थे, जहाँ पर एक जगह पर रहते थे उसको संघ कहा जाता था, और दे ट्रैवल्ड अराउंड द कंट्री स्प्रेडिंग द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। कहते ये क्या करते थे, महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाओं को फैलाने के लिए सब एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे। मोनेस्ट्रीज, यहाँ पर भिक्षु रहते हैं, स्तूपास जहाँ पर बुद्ध जी की निशानियाँ रखी जाती थी, चेत्यास यानी कि हाल। जो बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या किया, मोनेस्ट्री मठ बनवाए, स्तूपास बनवाए और हाल्स बनाए विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, उसके ऊपर सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई गई, मूर्तियाँ बनाई गई, आकृतियाँ डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा, जो कि महात्मा बुद्ध जी की जिंदगी के बारे में बताती थी। द मॉन्क्स और भिक्षुज लिव्ड इन मोनेस्ट्रीज और विहारा, जो ये भिक्षु थे वो कहाँ पर रहते थे, मोनेस्ट्रीज और विहारा के अंदर रहते थे। दे लीड सिंपल लाइफ, वो सादा जीवन जीते थे, मेडिटेटर, अपना ध्यान धर्म में और उसमें किसमें, मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाने में, एंड सर्वाइवल दान के ऊपर ही वो जीते थे। कहते कुछ मोनेस्ट्रीज हैं, कहते जिसको उन्होंने शिक्षा का केंद्र बनाया, जैसे कि नालंदा, तक्षशिला और सारनाथ। मॉन्क्स और नंस, कहते भिक्षु और भिक्षुणी यहाँ पर दोनों ही शिक्षा दिया करते थे। जो मठ थे उस टाइम के अंदर लक्कड़ और ईंटों के ही बना हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा मठ ऐसे हैं जो कि जंगलों के अंदर रॉक्स को काट काट कर बनाए गए हैं। इनका स्ट्रक्चर है वो डोम शेप्ड है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी की आखिरी निशानियाँ रखी जाती थी। द स्तूपास एट सांची, कहते जो स्तूपा है सांची के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है, सॉरी, तो वो क्या है, वन ऑफ द फ्यू सर्वाइविंग स्तूपा जिसके अंदर महात्मा बुद्ध जी की निशानियां पाई जाती हैं, और चेतिया हाल बुद्धिस्ट धर्म का, जहां पर पूजा के लिए यूज़ किया जाता था, जिसमें लोग इकट्ठे हुआ करते थे। सच श्राइन्स आर फॉर इन अजंता, एलोरा, एलिफेंट कार्लर, नासिक, औरंगाबाद एक्सेट्रा, और इनकी गुफाएँ हैं जिसके अंदर से हमें बुद्ध धर्म के बारे में नॉलेज मिलती है, जैसे कि अजंता के, एलोरा केव्स, एलिफेंटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाउ यू हैव टू लर्न अबाउट द महात्मा बुद्ध जी।